Question number 1. Why did the flowers love the little children? बच्चों, इस क्वेश्चन का मतलब है कि फूलों को छोटे बच्चों से प्यार क्यों था? आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे The flowers loved the little children because they used to care for flowers. They watered the flowers and dig the ground nicely. फूलों को छोटे बच्चों से प्यार इसलिए था क्योंकि छोटे बच्चे फूलों का ख्याल रखते थे। छोटे बच्चे फूलों को पानी भी देते थे और वो फूलों के लिए गड्ढे भी अच्छे से खोदते थे। बच्चों, dig का मतलब होता है खोदना। Question number 2. Why did the birds love the children? यानी कि जो चिड़ियाएं थी उनको बच्चों से प्यार क्यों था? बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे The birds loved the children because they used to bring bread for them. चिड़ियाओं को छोटे बच्चों से प्यार इसलिए था क्योंकि छोटे बच्चे चिड़ियाओं के लिए ब्रेड लाया करते थे। क्वेश्चन नंबर 3 नेम 5 फ्लावर्स ग्रोइंग इन द मैजिक गार्डन। बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर आपको 5 फूलों के नाम बताने हैं जो मैजिक गार्डन के अंदर थे। आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे पेंसी, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, पॉपी एंड रोज। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट साउंड्स कुड द चिल्ड्रन हियर इन द गार्डन। बच्चों, हियर का मतलब होता है सुनना, यानी कि मैजिक गार्डन के अंदर बच्चे कौन-कौन सी आवाजें सुनते थे? बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे द चिल्ड्रन कुड हियर द साउंड ऑफ स्वीट सॉन्ग्स sung बाय फेरीज। स्वीट का मतलब होता है मीठा, संग का मतलब होता है गाना, फेरीज बोलते हैं परियों को, यानी कि छोटे बच्चे जो थे वो परियों के गाए हुए गानों की मीठी मीठी आवाज़